है 19 जून और आज है मेरा MET का सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन, और BBA का सिलेक्शन है। मैंने BBA के लिए अप्लाई किया था तो उसका भी सिलेक्शन है। मैंने एडमिशन फॉर्म भर दिया, मेल आया था कि 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना है ऑनलाइन। तो उस पर बस तुम्हें 3 वीडियो बनानी है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 वीडियो बनानी है और अपलोड कर देनी है साइट में। भाई पहले तो मैंने डिसाइड किया था BCOM लेता हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी BCOM ही है, पर मैं BBA ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि मैं सेफ साइड में रहूँ, और जब BCOM के फॉर्म्स आएंगे तब BCOM के लिए भर दूँगा। और अभी के लिए मैं ऐसे BBA वो होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए भर रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। चलो दिखा देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे 14 जून को MET से मैसेज आया था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि फॉर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड और आउटब्रेक ऑफ ड्यू टू कोविड सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन होगा, और इसमें 3 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे ये लोग। एक क्वेश्चन एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा, दूसरा फिर तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल देखने के लिए होगा, और तीसरा क्वेश्चन एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तो इसकी तुम्हें एक साइट में जाना पड़ेगा लिंक में, तो और तुम्हें 5 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना है। तो आज ऑलरेडी 5th डे है तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, क्या होपफुली ये लोग एक्सेप्ट कर लें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसकी माइक्रो साइट, और यहाँ पे मैं डालूँगा अपना फॉर्म नंबर और यहाँ पे डालूँगा पासवर्ड, जो तुम्हारे मेल में आया था वही तुम्हें डालना है। तो मेल में मैं देख लेता हूँ फॉर्म नंबर और पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पे अगर तुम स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये लिखा हुआ आएगा अपलोड वीडियो फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, तो यू तो मैंने अभी अपलोड नहीं करा है तो मैं कर देता हूँ अपलोड। तो यहाँ पे क्लिक करना है और ये एक नया टैब खुलेगा जैसे कि देख सकते हो। तो इसमें लिखा है ये, इसमें लिखा है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर करना है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कैसे करूँगा। तो ये है लैपटॉप और ये है मेरा फ़ोन, स्टैंड की तरह मैं स्टैंड लगा रखा है मैंने इधर, और ये है केबल। तो इससे मैं जब रिकॉर्ड कर लूँगा वीडियो तो ये लैपटॉप में डालूँगा और लैपटॉप से मैं अपलोड मार दूँगा। ये केबल है तुम्हारी चार्जिंग केबल। तो बस पहले जल्दी से कर लेते हैं फिर तुमसे बात करता हूँ, बीच में दिखाते रहूँगा कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही लंबा दे दिया इन लोगों ने, तो इसमें लिखा है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऑल्सो टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स एंड लीडरशिप पोजीशंस यू हैव हैड इन द लास्ट 2 to 3 years। तो एक बार देख लेता हूँ, इसे एक बार कर लेता हूँ रिकॉर्ड, फिर इसे कैप्चर करूँ मतलब फिर इसे अपलोड मार दूँगा पहले क्वेश्चन को, और टाइम ही टाइम है आराम से करूँगा, 1 मिनट का अच्छे से बनाऊँगा प्रेजेंटेशन दूँगा तो फिर तुमसे बात करता हूँ। डालकर तो ये मैंने वीडियो डालकर अपलोड कर दिया है, अभी सेकंड क्वेश्चन लोड कर रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्पीक ऑन द टॉपिक आइडल ऑफ माई लाइफ, अब ये वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में और इसे भी अपलोड मारता हूँ यहाँ से चूज फाइल से, और यहाँ पे अपलोड बटन दबाऊँगा तो अपलोड हो जाएगी वीडियो। इतना लैपटॉप इतना बेकार है ना, तुम मान नहीं पाओगे, मान नहीं सकोगे कि मेरे को 5:10 हो रखा है, अभी 5:10 हो रखा है, इतना टाइम लग गया मुझे, मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सोचो मैं खाना भी खा चुका हूँ, पहली वीडियो में इतना टाइम लग गया था, ये रीड ही नहीं कर रहा था मेरी वीडियो उससे पहले वाली, अभी फिर से रीड नहीं कर रहा, अभी कॉपी भी नहीं कर पा रहा है ये दूसरे फोल्डर में, पता नहीं अब क्या ही होगा भाई। ये देखो यार मैं सब ये जो फाइल है ये है मेरी वीडियो सेकेंड वाली, इसमें ओपन कर रहा हूँ, ये बोल रहा है एंड अनएक्सपेक्टेड एरर इज कीपिंग यू फ्रॉम कॉपिंग द फाइल। भाई इतना घटिया लैपटॉप है ना भाई, क्या ही बोलूँ यार, ट्राई अगेन भाई, इसके भरोसे भाई कभी नहीं रहना चाहिए इस लैपटॉप के भरोसे, इससे अच्छा मैं PC में ही कर लेता जो पीछे पीछे है, क्या बोल रहा हूँ। सेकेंड बार जाकर ये ऐसा हुआ है, अब ठीक हुआ है, अब जाकर कॉपी हुआ है, दूसरी बार जाकर अब कॉपी हुआ है, दूसरी बार मैंने एक्ट करा इसे अब फिर लगाया फिर जाकर अब कॉपी हुआ है। सोचो देखते हैं कितना टाइम लगता है, अब तो मैं वाईफाई के सामने ही हूँ। चलो ये तो फिर भी जल्दी हो गया, 3 मिनट लिए इसने। तो ये है मेरा 3rd क्वेश्चन, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, चलो फिर इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। मैंने 3rd वीडियो भी अपलोड कर दिया है और मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए थे ताकि मुझे याद रहे कि मतलब क्या बोलना है, याद तो ऐसे रहता ही है लेकिन ताकि मैं बोल पाऊँ कि मुझे
मेरे क्या ये गोल्स हैं, और ये फाइनली मेरा अपलोड हो गया और व्यू वीडियो देख लेता हूँ एक बार मैं। तो वीडियो तो सब सेट है, तो उसे अब कर देते हैं फिनिश पे क्लिक और देखते हैं क्या आता है। और ये तीनों वीडियोस आ रही हैं, इनकी मैं वीडियोस देख सकता हूँ, तीनों की मैंने वीडियोस डाल दी है। क्या आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ख़त्म, इसे अब मैं एग्ज़िट कर दूँगा, सब कुछ तो मैंने डाल दिया है आंसर्स वगैरह। तो इसे एग्ज़िट करते हैं, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तो मैं जनरल आइडिया तो मिल गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ऑनलाइन, बस ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। वैसे एमिटी में मिले या ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डी यू में लेने का मन है। डी यू में हो जाए भाई, मार्क्स आ जाए एक बार, होपफुली हो ही जाएगा, लेकिन मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डी यू में हो जाता है तो सही है यार। अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर डी यू में एडमिशन मिलता है तो ठीक है, ना एमिटी ठीक है। आज के वेट टाइम और शायद बी कॉम करूँगा, बी बी ए का पता नहीं, बस ऐसे बी बी ए मैंने फॉर्मेलिटी के लिए भर दिया। तो ठीक है, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ब्लॉग था नहीं, बस जनरल आइडिया तो मिल गया होगा तुम्हें। और एक और बार बता देता हूँ, तुम्हें बस फॉर्म वगैरह भरना है, 1100 रुपीज़ देने हैं, फिर तुम्हें फिर अपनी डिटेल पूरा अच्छे से फॉर्म भरना है, और उसके बाद तुम्हें फिर ये मैसेज आएगा मेल में, तुम्हें बस ये आईडी वगैरह बता देंगे, मैं दिखा देता हूँ आईडी और ये फॉर्म नंबर और पासवर्ड तुम्हें आ जाएगा, और तुम्हें इसमें एंटर करके तुम्हें ऑनलाइन वगैरह कर देना है 5 दिन के अंदर अंदर। मैंने आज लास्ट डे के अंदर अंदर कर लिया, होपफुली मतलब तो ठीक है। बस फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब के लिए बाय।